बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। श्रीसंत बिग बॉस हाउस में अक्सर अग्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन रोहित सुचंती का मानना ये है कि श्रीसंत एक नंबर के फट्टू है। दरअसल रोहित, सोमी और सुबी बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं श्रीसंत के बारे में और वो बात कर रहे होते हैं कि सांप वाले टास्क के दौरान श्री पूरे घर में यही कहते हुए जा रहे थे कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मुझे इस शो से जाना ही है लेकिन उसको मार पीट के ही जाऊंगा, शाम को मेरी फ्लाइट है। लेकिन अंदर गए तो उसने कुछ भी नहीं किया। सच में यार फट्टू है वो। एक्चुअली वो बस कह सकता है, कहने का ही है, वो करना कुछ नहीं है उसको। रोहित ने कहा, हम लोगों ने ये प्लान किया था कि अंदर दो लड़कियां हैं, बाद में एक लड़का चला जाएगा, फिर चाहे वो मैं हूँ या फिर श्री हो। लेकिन श्री ने मना कर दिया और वो नहीं गए तो फिर मैं गया अंदर। तो सुरभि ने कहा, पता है क्या, वो ना अपनी सीरीज नहीं तोड़ना चाहते थे कोई टास्क ना करने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ वो टास्क तो करते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें ये टास्क करना नहीं था इसलिए वो गए नहीं अंदर। सोमी खान कहती हैं कि पता है क्या, शिवाशीष आज जो हमारे साथ नहीं है ना, श्री की वजह से ही है, क्योंकि उस दिन वो उनको भेज सकते थे जेल के अंदर कहकर, क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है, क्योंकि जो शिवाशीष है ना वो बस उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे, चमचा था उसका एक नंबर का। श्री खुद तो सामने से आकर कुछ करना नहीं चाहते थे और इसलिए शिवाशीष का इस्तेमाल करते थे कि जो वो चाहते हैं वो शिवाशीष कर दे, और इस वजह से शिवाशीष हमेशा बुरा होता था उसकी वजह से। He is really too smart, हाँ। ऐसे बताऊँ ना, इतना स्मार्ट भी नहीं है, He is such a idiot, फट्टू एक नंबर का, बस बोलता है कुछ करता नहीं है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।